IVM. खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे लॉर्ड्स में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के बारे में। आपको पता है कि नॉटिंगम में जो ट्रेंट ब्रिज के मैदान पे पहला टेस्ट मैच खेला गया, बारिश की वजह से उस टेस्ट मैच में कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, लेकिन अब सबकी निगाहें लग चुकी हैं क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर। और इस मैच में क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ प्लेइंग 11 होगी, किस तरह की पिच होगी और क्या कुछ मायने रखता है लॉर्ड्स टेस्ट मैच भारतीय कप्तान के लिए एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, इस पर आगे बातचीत करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे भारतीय टीम की क्या कुछ प्लेइंग 11 हो सकती है। इसके अलावा इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लगा है, जेम्स एंडरसन अवेलेबल नहीं है इस टेस्ट मैच के लिए, तो एक बड़ा सेटबैक हम कह सकते हैं क्योंकि टैनब्रिज के मैदान पर उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी और अब इंग्लैंड की टीम वहां से किस तरह से अपनी गेंदबाजी मजबूत करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी क्योंकि इससे पहले जोफ्रा आर्चर टीम से बाहर हुए इंजरी की वजह से, फिर क्रिस वोक्स बाहर हुए और बेन स्टोक्स के बारे में आप सबको पता है कि इस सीरीज के लिए क्या आने वाले कुछ महीनों के लिए वो इंग्लैंड के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं इंग्लैंड टीम के साथ। अब भारतीय टीम के साथ कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन अचानक शार्दुल ठाकुर के इंजर्ड होने के बाद पूरा समीकरण बदल गया है क्योंकि इससे पहले जो टेम्पलेट दिखाया था विराट कोहली ने नॉटिंगम के मैदान पर, वो टेम्पलेट थोड़ा सा यहाँ पर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सिलेक्टर भारतीय टीम के सभा करीम हमारे साथ है। सभा भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका खेल नीति पर। और ऐसा लग रहा है मक्का की लड़ाई यानी कि लॉर्ड्स की लड़ाई से ठीक पहले दोनों टीमों में थोड़ी उथल पुथल हो चुकी है इस समय। हाँ राजीव, और मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा धक्का है। वो ऐसे भी दो मेन प्लेयर्स के साथ मैदान में उतर रहे थे, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स उनके लिए अवेलेबल नहीं थे, उसके पहले जोफ्रा आर्चर उनके जो जो क्वालिटी पेस बॉलर वो अवेलेबल नहीं थे, और यहाँ पर अब जेम्स एंडरसन भी नजर नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी जो बॉलिंग अटैक है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। क्योंकि जेम्स एंडरसन मुझे लग रहा था एकमात्र ऐसे बॉलर है, जब भी वो आ रहे थे एक अपने नए स्पेल के साथ, हमेशा मुझे लग रहा था कि वो थ्रेटन कर रहे थे भारतीय बल्लेबाजों को, तो उनके बिना मुझे लगता है कि टीम का जो बैलेंस है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, उनके जो बॉलिंग की जो क्वालिटी है उसमें गिरावट आएगी। तो ये पूरी तरह से एडवांटेज है इंडिया के लिए। मैं मानता हूं कि शार्दुल ठाकुर इंजर्ड हैं, पर जिस तरह का फोरकास्ट देखने को मिल रहा है राजीव, यहाँ पर धूप रहेगी पांचों दिन और बारिश के चांसेस होंगे नहीं, तो इसका मतलब है कि ड्राई रहेगा विकेट, वहां पर आसानी से भारत आर अश्विन के साथ मैदान में उतर सकता है। देखिए सभा भाई, आपको आस है कि भारतीय टीम लॉर्ड्स का इम्तिहान पास कर लेगी, लेकिन मैं आपको इतिहास भी बता दूं लॉर्ड्स का जो बहुत अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा मोराल नहीं बढ़ाएगा भारतीय टीम का, क्योंकि ओवरऑल हमने 26 मैचेस खेले हैं लॉर्ड्स में और सिर्फ 5 मैचों में जीत मिली है, यानी कि इंग्लैंड ने अपनी कंडीशन में अपनी पिच पे और जो लॉर्ड्स का स्लोप है यानी कि जो बॉलर्स को एक बड़ा एडवांटेज मिलता है उसका पूरा उन्होंने फायदा उठाया। अब ये इतिहास क्या विराट कोहली के भी जहन में होगा, क्योंकि 2 मैचों उन्होंने लॉर्ड्स में खेले हैं एज ए कैप्टन, एक टेस्ट मैच और एक वनडे मैच, और दोनों ही विराट कोहली हारे हैं लॉर्ड्स पे, तो अब किस तरह से आप देखते हैं इतिहास और दूसरी तरफ एक आस हमारे क्रिकेटर्स की जो ये सोच रही है कि भारतीय टीम लॉर्ड्स का इम्तिहान पास कर लेगी। देखिए मुझे तो लगता है कि इस टीम में सिर्फ आस है, एक पुराने में पहले इसके पहले क्या हो चुका है इसके बारे में इस टीम को चिंता नहीं है। और राजीव सबसे बड़ा उदाहरण तो मुझे ऑस्ट्रेलिया नजर आता है, जहां पर एक वीक साइड के वीक टीम के तरफ से भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और हमारी सबसे टॉप 11 प्लेयर्स नहीं थे उस टेस्ट मैच में। मुझे लगता है ये जो पीढ़ी है जो क्रिकेटर्स की इस समय जो खेल रही है टीम इंडिया के लिए, इनके पास कोई बैगेज है नहीं, वो नए सिरे से तैयारी करते हैं। हाँ मैं मानता हूं कि जिस तरह का प्रदर्शन इसके पहले लॉर्ड्स में रहा है उसके ऊपर ध्यान जरूर देना होगा, उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी और इन सब चीजों के बारे में जरूर आपको चर्चा करनी है और यह विश्लेषण करना है। पर पिछले टेस्ट मैच में क्या हुआ था, पिछले श्रृंखला में क्या हुआ था, उसको लेकर आप मैदान में उतर नहीं सकते हैं। आपकी सोच अलग अलग तरह से होनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस जो है ऊपर होना चाहिए, तभी आप मैदान में प्रदर्शन कर पाएंगे, और मुझे वैसे ही उम्मीद है इस टीम से राजीव। सभा भाई जो आप कह रहे हैं कि पिछला टेस्ट मैच भूल जाए, विराट कोहली तो पिछला टेस्ट मैच भी याद रखना चाहेंगे और लॉर्ड्स का मैदान भी, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पे 2 टेस्ट मैच, 4 पारियां, टोटल 65 रन है, 25 रन उनका हाईएस्ट है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि नॉटिंगम टेस्ट मैच में एंडरसन जिन्होंने आउट किया था पहली बॉल पे, वो इस टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे, तो अब क्या रिकॉर्ड सुधारने का जो चैलेंज है वो ज्यादा बड़ा होगा विराट के लिए, या एंडरसन का ना होना ज्यादा बूस्ट करेगा उन्हें?
मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही शानदार बैटल देखने को मिल रही थी, विराट कोहली वर्सेस जेम्स एंडरसन। अब ये टेस्ट मैच में ये जो स्पेक्टिकल है हम लोग को देखने को मिलेगा नहीं, तो ये फैंस के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए विशेष करके और जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके लिए एक मुझे लगता है ये सेटबैक है। विराट कोहली मुझे लगता है कि उनका ध्यान है कि अपने बल्लेबाजी के ऊपर होना चाहिए, उनका ध्यान होना चाहिए कि उनको पारी को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, उनका ध्यान होना चाहिए कि जो इंग्लिश पेस बॉलिंग अटैक है वो किस तरह से उनको सेटअप करने की कोशिश कर रही है, उनकी एरियाज क्या है, वो किस तरह से उनको आउट करने का प्रयास कर रही है, इन सब चीजों पर ध्यान देकर ही भारत विराट कोहली को मैदान में उतरना चाहिए, तभी मुझे उम्मीद है कि वो एक बड़ी पारी खेलेंगे। और यहाँ पर एक शतक की बात नहीं है राजीव, मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूरी है इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस की। अगर आप वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन देते हैं अपने टीम के लिए तब मुझे लगता है कि टीम का भी प्रोत्साहन बढ़ जाता है, उसके साथ साथ उनका जो फॉर्म है वो भी शानदार हो जाएगा। सबा भाई, हमने जो दो टेस्ट मैचेस जीते हैं लॉर्ड्स में, 1986 में कपिल पाजी टीम के कैप्टन थे और वो मैन ऑफ द मैच बने, फिर 2014 में जहां तक मुझे याद आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में हमने एक और टेस्ट मैच लॉर्ड्स में जीता, तब ईशांत शर्मा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। और मैं इसलिए ये दोनों चीजें क्लब करके आपसे पूछ रहा हूँ कि फास्ट बॉलर्स, एक तो जब जब इंडियन फास्ट बॉलर्स ने लॉर्ड्स के मैदान पे अच्छा किया हमने टेस्ट मैच जीता, अब क्या ईशांत शर्मा पर दोबारा भरोसा जताया जाएगा क्योंकि शार्दुल ठाकुर इंजर्ड है, तो क्या ईशांत शर्मा एक चॉइस होंगे? क्योंकि जिस टेम्पलेट की बात विराट ने की नॉटिंगहम में, उससे एक बात तो साफ है कि चार तेज गेंदबाज जहां भी वो खिलाना चाहेंगे, बनस्पत इसके कि अगर पिच बहुत ड्राई हो, जहां पे हमें थोड़ा स्पिन गेंदबाजों को मदद मिले टेस्ट मैच के चौथे और पांचवें दिन। देखिए, अगर चार सीम बॉलर्स के साथ भारत मैदान में उतरेगा तो ईशांत शर्मा निश्चित रूप से खेलेंगे, तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ निर्भर कर रहा है कंडीशंस के ऊपर। अगर थोड़ा बहुत घास रहा, 3 या 4 mm भी घास रहती है, तब भी मुझे लगता है कि विराट कोहली प्रेफर करेंगे ईशांत शर्मा के साथ मैदान में उतरना। ईशांत शर्मा के पास अनुभव है, वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच खेल चुके हैं इसके पहले, उनको पता है कि उस स्लोप में किस तरह से उनको गेंदबाजी करनी है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो ईशांत शर्मा के लिए काम करेंगे अगर टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है एक और पेस बॉलर के साथ मैदान में उतरना, क्योंकि उसके अलावा मुझे लगता है नहीं ये तीन पेस बॉलर्स में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन तीनों ने शानदार गेंदबाजी की है। अगर ईशांत शर्मा को खिलाना है तो फिर वो चॉइस रहेगी आर अश्विन और ईशांत शर्मा के बीच में, और ये पॉसिबिलिटी है, एक, एक, एक विकल्प है राजीव जी। सभा भाई, मुश्किल थोड़ी भारतीय टीम के लिए ये भी है लॉर्ड्स में कि जो हम डबल डिजिट स्कोर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ दो बल्लेबाज इस मौजूदा टीम में है जिन्होंने 50 प्लस का स्कोर बनाया है लॉर्ड्स में, एक अजिंक रहाणे जिन्होंने शतक लगाया, दूसरा रवीन जडेजा है जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। अब ओवरऑल आप कैसे देखते हैं बैटिंग फेल्यूअर? ऑलरेडी हमने देखा नॉटिंगहम में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चले नहीं, एक सीमिंग ट्रैक था जहां पे लगभग दोनों टीमों के बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, अब यहां पर 250+ का स्कोर, बाकी बैट्समैन स्ट्रगल, अजिंक रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के बारे में विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरा भरोसा है और उनको लग रहा है कि इंग्लैंड में उन्होंने इससे पहले भी अच्छी पारियां खेली और लॉर्ड्स में दोबारा ऐसा कर सकते हैं, क्या बैटिंग ऑर्डर में भी कोई आप चेंज देख रहे हैं या सेम बैटिंग ऑर्डर के साथ जाएगी टीम? मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई चेंज बैटिंग ऑर्डर में राजीव, क्योंकि नंबर 3 पुजारा, नंबर 4 विराट कोहली, नंबर 5 अजिंक्य रहाणे, यहाँ पर मैं कोई भी चेंज देखने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है ये उचित भी है कि आपने जो जिन खिलाड़ियों के ऊपर अभी तक भरोसा दिखाया है उनको और आपको समय देना होगा। इंग्लैंड की बात अलग है, इंग्लैंड बहुत जमाने से वो अपने ओपनिंग पेयर के साथ वो जूझ रहा है, वहां पर वो परिवर्तन ला सकते हैं, पर कम से कम भारत की तरफ से मुझे लगता नहीं कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे। अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, मुझे लगता है कि आप 11 चुनने के पहले बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो खिलाड़ी जो है वो नेट्स में किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, उसने पिछली पारी कहाँ से किस प्रकार की खेली है। पुजारा ने जो जिस तरह से आकर दूसरी पारी में 2 या 3 चौके लगाए वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर रहता है खिलाड़ी के लिए भी और टीम के लिए भी कि नहीं मुझे लग रहा है कि इनका इनका फॉर्म कुछ हद तक ठीक हो गया है, तो उनको और मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं है कोई मैं चेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस टेस्ट मैच में भी राजीव जी। विराट कोहली से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया सभा भाई, आज मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुन के भी आ रहा था, अपनी टीम को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पॉजिटिव थे और उनका ये कहना है कि ज्यादातर उन्होंने नॉटिंगहम टेस्ट मैच में डोमिनेट किया, इसलिए इंग्लैंड को उन्होंने बैकफुट पे रखा हुआ है और साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ लॉर्ड्स आए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमने डोमिनेट किया? हाँ, मुझे लगता है कि पिछला टेस्ट मैच में हमने डोमिनेट किया था, सिर्फ 1 या 2 सेशन आप निकाल लें जहां पर इंग्लैंड ने बहुत ही शानदार तरीके से इनरोड्स किया था। एक सेशन था जब जेम्स एंडरसन ने 2 या 3 विकेट जल्दी से ले लिए, उसके बाद दूसरी पारी में जब जो रूट और मेरे ख्याल में जॉनी बेस्टो की जो साझेदारी हो रही थी
वहां पर ऐसा लगा कि हो सकता है कि भारत को बहुत बड़ी लीड, इंग्लैंड को लीड मिल जाए और टारगेट जो है भारत के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा मुझे लगा नहीं कि इंग्लैंड के पास वो दमखम है जो पिछले टेस्ट मैच में देखने को मिला नहीं हमें। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि विराट का मानना भी सही है कि इस समय विराट को भी पता है, इंग्लैंड को भी पता है कि इंडिया की जो टीम है बहुत ज्यादा मजबूत है और इनको कंडीशन अब जैसा भी दे दें भारत का पलड़ा हमेशा से भारी रहेगा। भारत को जो काम करना है वो उनके बल्लेबाजी में ही है राजीव। अगर आप हमेशा वेट करेंगे कि आपको लोअर ऑर्डर आपको आपकी मदद करे, आपको बेल आउट करे, तो उससे आप टेस्ट मैच जीतने वाले नहीं है या फिर टेस्ट श्रृंखला के बारे में तो आप छोड़ ही दें। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत के जो बल्लेबाज हैं वो कंट्रीब्यूट करें और विशेष करके ये जो मध्य क्रम है हमारा वो रन बनाए और कंट्रीब्यूट करें। शोभा भाई, 3 साल पहले अगर हम लॉर्ड्स के मैच टेस्ट मैच को याद करें, लगभग यही भारतीय टीम थी, उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं खेले थे क्योंकि अंगूठे में, मुझे बहुत अच्छी तरह याद, मैं वो मैच कवर कर रहा था, उनके अंगूठे में चोट लगी थी और उनको बाहर बैठना पड़ा था लॉर्ड्स में, और हम सब प्रेस बॉक्स में ये चर्चा कर रहे थे कि उस समय जो जसप्रीत बुमराह थे, एक तो अभी का मौजूदा फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट होगा, और वो टेस्ट मैच अगर हम याद करें, पहले पारी में हम 103 और दूसरी पारी में सिर्फ 130 रन पे आउट हो गए थे सभा भाई, यानी हम 150 स्कोर भी क्रॉस नहीं कर पाए थे, और जेम्स एंडरसन ने उस टेस्ट मैच में 9 विकेट लिए थे। अब इस टेस्ट मैच में जेम्स एंडरसन है नहीं, चैलेंजेस बैट्समैन के लिए लेकिन आपको लग रहा है वही है, वो ओलिव रॉबिन्सन खेले, वुड के खेलने के चांसेस है, स्टुअर्ट ब्रॉड हो सकता है बाहर बैठते लेकिन अब वो खेलेंगे ये भी खबर आ रही है, हो सकता है सैम करर हो सकता है बाहर बैठ जाए वहां पे जो उनके लेफ्ट आर्म सीमर है। कैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल इंग्लैंड के लिए क्या सिनेरियो है 3 साल पहले के टेस्ट मैच से अगर हम उसको देखें, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय बल्लेबाजों के लिए क्या कुछ चैलेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए इंग्लैंड के लिए तो जो चुनौतियां हैं बहुत ज्यादा है, उनको जेम्स एंडरसन की जगह पर किसी ऐसे पेस बॉलर को खिलाना पड़ेगा जिसके पास वही इंटेलिजेंस है, जिसके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चांस है कि वो मार्क वुड को खिलाए, और अगर वो मार्क वुड को खिलाते हैं तो हो सकता है कि सैम करन की जगह पर मोइन अली को खिलाया जाए। तो वो चाहते हैं कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि वहां पर कंडीशन जो है थोड़े बहुत ड्राई रहेंगे, इसी वजह से कुछ इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ इंग्लैंड मैदान में उतरना चाहेगा। मोइन अली आपको एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर के रूप की भूमिका निभाएंगे, उसके साथ साथ बल्लेबाजी भी वो कर सकते हैं। अब रही भारत की बात, मुझे लग रहा है कि भारत की टीम इस समय हमारी जो बॉलिंग अटैक है ज्यादा मजबूत मुझे नजर आ रही है, बल्लेबाजी में हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा और ज्यादा स्टेबलाइज कर गया है, तो ये सारी चीजें जो है वो भारत के हित में जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो भी अलग प्रकार का अगर काम करना तो है, करना भी है, तो इंग्लैंड को ही करना होगा। उनको अपने शेल से निकल कर प्रदर्शन करना होगा जो अभी तक देखने को मिला नहीं है, ना ही पिछले टेस्ट मैच में या फिर जो 2 टेस्ट मैच उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, तो उनके लिए परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। भारत को अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी, अपनी जो टीम है बैलेंस काफी अच्छा है, आपके सभी प्लेयर्स फॉर्म में है, और अगर हम इसी प्रकार से खेलते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा परेशानी होनी चाहिए भारत को ये टेस्ट मैच को जीतने में। और ये बहुत जरूरी है राजीव, अगर आपको 4 या 5 दिन का खेल मिल रहा है, अगर आप यहाँ से अपना सफर शुरू कर देते हैं और ये टेस्ट मैच हम जीत जाते हैं, तो फिर आने वाले 3 टेस्ट मैचेस में आपका पलड़ा निश्चित रूप से बहुत ज्यादा ऊपर रहेगा। सभा भाई, जून के महीने में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेला था, और उस टेस्ट मैच को अगर मैं याद करूं थोड़ी स्लो एंड लो पिच थी, वहां पे बहुत ज्यादा पेस बॉलर्स के लिए कुछ था नहीं, तो एक तो आप क्योंकि इंग्लैंड में आप क्रिकेट देख भी चुके हैं और आप ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे व्यूवर्स को समझा सकते हैं, आइडियल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, क्योंकि अब देखिए अगस्त आ चुका है और समर्स है, मतलब वहां बहुत ड्राई कंडीशन, अगर बारिश नहीं है तो बहुत पिचेस खासतौर से ओवल और लॉर्ड्स में बहुत ड्राई हो जाती है। क्या आपको अश्विन और जडेजा एक साथ खेलते नजर आ रहे हैं, या आपको लग रहा है 4 सीमर का जो टेम्पलेट विराट बार बार कह रहे हैं वो 4 सीमर के साथ ही जाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह का फोरकास्ट देखने को मिला, नहीं केवल इस टेस्ट मैच में राजीव, पर आने वाले 3 या 4 हफ्तों में इंग्लैंड में एक तरह की हीट वेव आने वाली है। इसका मतलब है कि विकेट बहुत ज्यादा ड्राई मिलेगा और वहां पर आपको 4 सीमर्स की हो सकता आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस मैच में आर अश्विन और जडेजा दोनों को खेलने का मौका मिल सकता है, और आर अश्विन भी एक केपेबल बल्लेबाज भी हैं। चलिए उनके बॉलिंग के बारे में तो बात हम लोग करते ही रहते हैं, पर उसके साथ साथ आपकी जो बल्लेबाजी में है उसमें भी आपकी गहराई बढ़ जाती है, और आर अश्विन आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से उन्होंने मैच को सेव किया था हनुमा विहारी के साथ,
तो इस तरह का कॉन्फिडेंस है आर अश्विन के अंदर, उनके बल्लेबाजी में भी। और बहुत जरूरी है कि आप कंडीशंस के हिसाब से टीम को चुने, और मुझे लग रहा है कि अगर कंडीशंस ड्राई हैं तो आर अश्विन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि विराट कोहली को भी इसी प्रकार की कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहिए लॉर्ड्स टेस्ट मैच के लिए। रोहित शर्मा पे भी थोड़ी बात करना बहुत जरूरी है सभा भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा मैचेस हो गए जहां पे उनको स्टार्ट अच्छा मिला। एक अगर हम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज छोड़ दें जहां पे उन्होंने स्वीप शॉट अप्लाई करके इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग खेली थी और शतक लगाया था, उसके अलावा स्टार्ट हर मैच में उनको मिल रहा है, यानी कि 25 रन 30 रन आप बना रहे हैं फिर उस अच्छे स्टार्ट को जाया कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है इंग्लैंड में कि आप पारी की शुरुआत कर रहे हैं तो आप गेंदों को पुराना करने का काम कर रहे हैं, यानी 100 गेंदे खेल रहे हैं आप, 150 गेंदे खेल रहे हैं और उसके बाद विकेट पता, आप मेहनत को ही अपनी खुद खराब कर रहे हैं। रोहित शर्मा को क्या सजेस्ट करेंगे आप, लॉर्ड्स में क्या करना पड़ेगा उनको, क्या वो अपने नेचुरल गेम थोड़ा सा दबा के टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हैं? ये भी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका सवाल है कि क्या नेचुरल जो रोहित शर्मा का खेल है उससे ऑपोजिट बैटिंग कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में वो? मुझे लगता है कि नेचुरल गेम रोहित शर्मा का जो रहता है, जिसके बारे में हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं, मेरे हिसाब से नेचुरल गेम वही है जहां पर आप अडेप्ट कर पाए कंडीशंस के हिसाब से, बोलिंग के हिसाब से, जो कि रोहित शर्मा ने किया है पिछले 2 पारियों में। जो पारी उन्होंने दूसरी पारी में जिस तरह से उन्होंने खेली थी राजीव, वो आधे घंटे का जो समय था वो बहुत ज्यादा, 1 घंटे का जो समय था जहां भारत ने खेला 4th डे शाम में, उससे ज्यादा खतरनाक स्पेल मैंने देखा नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। बहुत कम बार उस तरह का देखने को मिलेगा जहां पे लाइट कम हो रही है, वहां पर एक्स्ट्रा बाउंस है, बॉल में मूवमेंट है, जेम्स एंडरसन है, स्टुअर्ट ब्रॉड है, सभी के सभी बॉलर्स फ्रेश है, उनको पता है उनको सिर्फ 1 घंटे की गेंदबाजी करनी है। वहां पर जिस अंदाज में रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की वो मुझे दर्शा रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ी पारी निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। रोहित शर्मा को और कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, उनको भी पता है, उनके पास भी अनुभव है, उनको भी मालूम है कि अगर मुझे शुरुआत मिल रही है तो मुझे एक बड़ी पारी खेलनी है। पर बहुत जरूरी है कि आपका अप्रोच किस प्रकार का है, उनका इंटेंट देखिए कितना अच्छा है, वो जो डिफेंड भी कर रहे हैं वो भी कितने पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं, वो घबरा कर डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो कोई हिचकिचाहट नहीं है उनको डिफेंड करने में, जो बॉल छोड़ भी रहे हैं वहां पर भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा बहुत संयम के साथ अगर हम लोग देखेंगे रोहित शर्मा को, और अगर उनका शॉर्ट सिलेक्शन 25-30 रन के बाद थोड़ा इम्प्रूव कर जाएगा तब मुझे लगता है कि एक बड़ी पारी जरूर देखने को मिलेगी। अब मैं जो सवाल आपसे पूछूंगा सभा भाई, आप सीधा ये भी बोल सकते हैं कि यार ये सवाल तुम राजकुमार शर्मा से पूछो, बट मैं आपसे ही पूछूंगा क्योंकि राजकुमार जी शो में नहीं है। विराट कोहली अब तो लगभग 2019 के बाद से 2021 आ गया है सभा भाई, कब तक राजकुमार शर्मा जी ये कहते रहेंगे कि अगले मैच में देखिए बड़ी पारी आ रही है, अगले मैच में बड़ी पारी आ रही है? इसलिए इस बार मैंने उनसे नहीं पूछा कि वो बड़ी पारी कब आएगी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस दौरे पे विराट कोहली कोई बड़ी पारी खेलेंगे? लगभग 3 महीने का लंबा दौरा है अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जोड़ दें इसमें, बट वो जो इम्पैक्ट है विराट कोहली का एज अ बैट्समैन वो नजर नहीं आ रहा है, कैसे आएगा वो? क्योंकि बरबस जब इंग्लैंड पहुंचते हैं तो वो 2014 का दौरा याद आने लगता है जब विराट कोहली बहुत ज्यादा परेशान थे, और वो उससे भी लंबा लीन पीरियड हो गया है इस बार, कैसे निकलेंगे सभा भाई? आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर आप विराट के साथ होते, बैटिंग कोच होते, तो क्या सजेस्ट करते आप विराट को? देखिए मुझे तो लगता है कि कई बार जो बल्लेबाज होता है वो इश्यूज को एड्रेस नहीं करता, उसको ये लगता है कि रन तो आ ही जाएंगे, पर उसके लिए आपको अलग प्रकार की तैयारी करनी होती है। मैं पिछले दिनों वॉच कर रहा था उनका इंटरव्यू जो उन्होंने दिनेश कार्तिक के साथ किया था, उसमें एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि वो विश्वास रखते हैं विजुअलाइजेशन में। तो अब इस समय क्या वो उस तरह से विजुअलाइज कर रहे हैं कि नहीं, तो उनका जो मंत्र जो है, जो टेम्पलेट है वो काफी सही है, इसी वजह से इतने सालों से वो खेलते आ रहे हैं, इतने सालों से उन्होंने कई मैच विनिंग पारियां खेली है, इतने सालों से उन्होंने कई सारे शतक लगाए हैं, तो क्या वहां पर उस तरह की प्रिपरेशन वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? कई बार जो बेसिक्स होता है तैयारी करने का, उससे आप भटक जाते हैं, जो फोकस होता है वहां से आप भटक जाते हैं। मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा विराट कोहली को, और ये भी जरूरी है राजीव, जैसे आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी आप देखें कि हमेशा से वो फ्रंट फुट पे ही जाना चाह रहे हैं, अब एक तो क्रीज के बाहर वो खड़े हुए हैं, तो क्या वहां पर बॉलर्स ने उनको वर्कआउट कर लिया है कि चूंकि हमेशा से सामने देखते हैं खेलने के लिए, तो उनको एक तो फोर्थ लाइन पे रखें, फोर्थ या फिफ्थ लाइन पे बॉल डालें, या फिर थोड़ी छोटी गेंद डाल दें, तो वहां पर क्या वो परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, उनका गेम प्लान क्या है, क्या जो गेम प्लान है बॉलर्स का वो समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि एग्रेशन तो अलग बात है, वो इंटेंशन तो अलग बात है,
बहुत जरूरी है कि आप आपकी तैयारी जो है इस प्रकार की हो ताकि आप अंदर जाकर जो भी चैलेंजेस हैं आपके सामने उसके सामने आप खड़े बैठे और बड़ा स्कोर खड़ा करें। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आप छोटे छोटे टारगेट सेट करेंगे तब आसानी होती है वापस आने में फॉर्म में, और ये बहुत बड़ी समस्या होती है प्लेयर्स के साथ, आसान नहीं होता है राजीव। अगर आप इस फेज से जूझ रहे हैं तो आपको मेहनत तो करनी होगी, उसके बाद इंतजार करना होगा कि कब आपका वो समय आए जहां पर एक, एक, एक आप बड़ी पारी खेले और फिर वो जो फॉर्म है आपका वो वापस आ जाए। तो भाई क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषभ पंत के जो एग्रेशन है उसको भी लेके विराट से सवाल पूछा गया, रवींद्र जडेजा का जो कंट्रीब्यूशन था पिछले टेस्ट मैच में उसको लेके भी पूछा गया, और बड़ा सिंपल सा विराट का जवाब था कि वो अपने नेचुरल खेल पे भरोसा कर रहे हैं और हम उनसे किसी भी तरह की डिमांड्स नहीं करते, वो सिचुएशन को समझते हैं। बट क्या वो सिचुएशन को समझ के स्टेप आउट कर रहे थे जिमी एंडरसन को जब भारतीय टीम फंसी हुई थी, उस पर भी सवाल उठे, बट वो उनका नेचुरल अंदाज है। क्या आप ऋषभ पंत जिस तरह की बैटिंग इन दिनों कर रहे हैं उससे आप खुश हैं, क्योंकि आप दिल्ली टीम के भी टैलेंट हैं, टीम के हेड हैं, तो इस तरह का टैलेंट जाया ना हो जाए कि टेस्ट मैच में, इस बात का डर बहुत रहता है। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत अब स्थिति में आ गए हैं जहां पर उनको खुद प्लान करना होगा इनिंग्स को कि उनके लिए रन आएंगे कहाँ से। और मुझे लगता है कि ऋषभ पंत में अद्भुत टैलेंट है, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक खिलाड़ी ऐसा होता है जिसको अपना डिफेंस पर विश्वास ना हो और उस वजह से वो कभी स्टेप आउट करके शॉट खेल देता है, कभी वो इम्प्रोवाइज करके शॉट खेल देता है क्योंकि उसको लगता है कि उसको रन बनाते रहना है। ऋषभ पंत के साथ ऐसी बात नहीं है, उनका डिफेंस ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग है तब आप मजबूर करेंगे बॉलर्स को कुछ और अलग करने के लिए, तब आपके पास लूज बॉल्स आएगी जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो बॉलर को आप ये संदेश दे रहे हैं कि आप जो अच्छी गेंदें डालेंगे उसको तो मैं खेल ही रहा हूं आसानी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कहीं भी आप अगर आप लेंथ में आपने गलती कर दी या लाइन में आपने गलती कर दी फिर हम आपके ऊपर टूटेंगे। तो मुझे लगता है ये विश्वास अगर है ऋषभ पंत के अंदर तो फिर उनको कुछ अलग करने की जरूरत है नहीं, वो तो नेचुरली उनके अंदर है ही। इसीलिए मुझे लगता है कि सही शॉट सिलेक्शन पर अगर वो और ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से बड़ी पारी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनको शुरुआत मिल रही है, वो ऐसे स्थिति में आ गए हैं जहां से वो बड़ी पारी खेल सकते हैं। अब पिछले मैच में भी जिस तरह से उन्होंने अचानक गेम में परिवर्तन वो ले आए थे वो लाजवाब था, वो अलग था कि बैट स्विंग को वो कंट्रोल कर नहीं पाए और सीधा उन्होंने एक कैच दे दिया था कवर पर। पर ऋषभ पंत को अभी मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ छिड़काने की जरूरत है नहीं, उनको अपने हिसाब से ही रन बनाने देना चाहिए। और आपके पास अच्छी बात यह है कि उसके बाद रविंद्र जडेजा है, और अगर आर अश्विन खेलेंगे तो आपकी बल्लेबाजी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी लोअर ऑर्डर में। सभा भाई इंग्लैंड की थोड़ी बात कर ले, अगर हसीब हमीद को टीम में जगह दी जा सकती है इस बात के संकेत मिले, बैटिंग को थोड़ा इंग्लैंड की टीम स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है, और प्रैक्टिस मैच में हमने देखा था हसीब हमीद ने हमारी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट शतक भी लगाया था। अगर उनका डेब्यू याद करूं, मुझे याद है मुंबई में बहुत जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी भी की थी जब भारत दौरे पे इससे पहले इंग्लैंड टीम आई थी। एक तो बैटिंग को मजबूत करना, क्या ये संकेत देता है कि भारतीय गेंदबाजों ने जो इम्पैक्ट डाला नॉटिंगहम में उससे थोड़ा डर गई है इंग्लैंड की टीम, नंबर एक सवाल। और अगर आप बैटिंग को ज्यादा मजबूत कर रहे हैं यानी कि आप एक कम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि आपको एक गेंदबाज कम खिलाना पड़ेगा और उस पे जिमी एंडरसन नहीं है, क्या डिफेंसिव मूव मान रहे हैं आप इसको जो इंग्लैंड की टीम करने जा रही है? नहीं, पर अगर हसीब हमीद आते भी हैं टीम में तो वे किसी न किसी ओपनर के जगह पर ही आएंगे, और मुझे नंबर तीन पे शायद या मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं, रॉरी बर्न्स और सिबली करेंगे, मेबी लॉरेंस की जगह शायद उनको खिलाया जाए। हाँ, तो मुझे लगता है किसी न किसी खिलाड़ी को बाहर करना पड़ेगा, तो वहां पर कोई एक्स्ट्रा अगर उनको मजबूती अगर लानी है तो उनको मोइन अली के साथ ही जाना पड़ेगा राजीव। तो डैन लॉरेंस की जगह पर या जैक क्रॉली की जगह पर हसीब हमीद आ सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पर ये जरूरी है कि इन दोनों ही खिलाड़ियों को, डैन लॉरेंस और जैक क्रॉली को, बहुत ज्यादा अवसर मिले हैं। तो अगर नंबर तीन पर किसी को आना होगा तो फिर जैक क्रॉली की जगह पर आप हसीब हमीद को खिला सकते हैं। पर इंग्लैंड ढूंढ रहा है इस समय सही बैलेंस, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है बेन स्टोक्स का ना होना, और उसी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ मैदान में उतरना पड़ रहा है, और उनके पास वो फिफ्थ बॉलर नहीं है, इसी वजह से वो मोइन अली के बारे में सोच रहे हैं इस समय जो एक फिफ्थ बॉलर की भूमिका निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की जो परेशानी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उनके कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है टॉप ऑर्डर में जो उतना सक्षम नजर आ रहा है, इसीलिए अंत में वो निर्भर कर रहे हैं जो रूट, जॉन बेस्टो और जॉस बटलर के ऊपर। इनके इन तीनों के पास अनुभव है, इन तीनों को ही रन बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इंग्लैंड की मुसीबत और बढ़ने वाली है इस टेस्ट मैच में भी। जो कुछ इम्पैक्ट जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर दाहिनी टीम में सिराज ने डाला,
सभा भाई, ये उसका असर भी आप देख रहे हैं कि बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है, अगर सीमिंग कंडीशन है तब भी, क्योंकि जिस तरह का बॉलिंग अटैक इस समय भारत का है और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने खासतौर से 9 विकेट लिए, और अगर 3 साल पहले जाए वो लॉर्ड्स में खेल नहीं पाए थे तो उसकी भी टीस होगी, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पे आप 11 में आके परफॉर्म करना चाहते हैं, वो जो बोर्ड है वहां पे, तब भाई आपने भी देखा होगा कि वहां पे आप 5 विकेट लें या आप शतक लगाते हैं तो लॉर्ड्स की बोर्ड पे नाम आता है। अब वहां पे 2 बड़े लोगों का नाम नहीं है, एक सचिन तेंदुलकर का नहीं है, दूसरा विराट कोहली नहीं है, तो विराट के पास तो मौका है, सचिन के पास तो मौका रहा नहीं, अब जसप्रीत बुमराह के पास कितना मौका देख रहे हैं 5 विकेट और लेके उस बोर्ड पे नाम लाने का। देखिए यही तो लॉर्ड्स की विशेषता है कि वहां पर जो ऑडियंस आती है, जो स्पेक्टेटर्स आते हैं मैच देखने के लिए, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है टेस्ट क्रिकेट के बारे में और इसी अंदाज में वो टेस्ट मैचेस देखते हैं, और वहां पर अगर आपने अच्छा कर दिया तो फिर एमसीसी में भी या फिर उन सभी क्रिकेट पंडित्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो जो भी खिलाड़ी को मौका मिल रहा है यहाँ पर लॉर्ड्स टेस्ट मैच में खेलने का, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन वापसी की है और ऐसा लग रहा है कि उनको अब रेड बॉल क्रिकेट से जितना उनको खेलना चाहिए था उस तरह का अनुभव उनको हो गया है और इसी वजह से पिछले टेस्ट मैच उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। एकमात्र एक ऐसा पेस बॉलर है जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को डर लगता है तो वो है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि वो कभी भी आकर विकेट ले सकते हैं, हमेशा से वो थ्रेटन करते हैं बल्लेबाजों को और इस वजह से इनकी भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर स्लोप का फायदा इनको मिल गया, जिस तरह का उनका एक्शन है, जिस तरह से वो बॉल को रिलीज करते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि और भी परेशानी होने वाली है इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए। तो बेहतरीन मौका है भारतीय टीम के लिए, बेहतरीन मौका है जसप्रीत बुमराह के लिए भी। भाई क्योंकि लॉर्ड्स की बात आ रही है तो थोड़ी अगर मैं पुराने सुझाऊ, मुझे एक बार जाने का मौका मिला और लॉर्ड्स में जो ड्रेसिंग रूम है वहां से जब आप लॉन्ग रूम से होके आते हैं और जब आप एंटर करते हैं मैदान पे, लगभग 1 से 1.5 मिनट का सफर होता है और दोनों साइड में, क्योंकि आप जब उस लॉन्ग रूम में बैठते हैं तो बड़ा कंपल्सरी है कि आप कैजुअल ड्रेस में नहीं बैठ सकते, आपको प्रॉपर सूट पहन के ही आपको टाई वाई के साथ रहना पड़ता है, और उनके बीच से निकलना, क्रिकेटिंग जो स्लेजेस हैं वो सुनना, और इंग्लैंड के स्लेजेस माइकल वॉन के जो हैं आप सुन ही रहे हैं, नासिर हुसैन के किस तरह के होते हैं, तो वो बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट होता है। अब के राहुल जैसे बैट्समैन के लिए कितना बड़ा मौका आप देख रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा चलिए रहाने तो खेल चुके हैं, बट हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए आप किस तरह का मौका ये देख रही है, जो माहौल बनता है लॉर्ड्स के टेस्ट मैच के पहले दिन, मुझे याद आता है वो बेल भी बजाई जाती है, कैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल लॉर्ड्स में जो ये माहौल बनेगा? मुझे लगता है ये शानदार है यहाँ का माहौल राजीव, और आप तभी अच्छा कर पाएंगे अगर आप इन सब चीजों को एंजॉय करेंगे, अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, पर अगर आप इसे घबराने लगेंगे तो फिर आप प्रदर्शन कर नहीं पाएंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं कि बहुत कम बार आपकी जिंदगी में आती हैं, और अगर आ गई हैं तो इसको आप एंजॉय करें, आप इसका लुत्फ लें, आप क्रिकेट की हिस्ट्री है वहां पर उसको आप समझें, और तभी आपको मजा आएगा वहां पर खेलने में। तो जो भी हमारे जो यंगस्टर जो अभी तक लॉर्ड्स में खेले नहीं, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि इन सब चीजों को आप ठीक प्रकार से इसका लुत्फ लें, ये एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस होता है, और इस यहाँ पर अगर आप अंदर जा रहे हैं खेलने के लिए, जैसा कि आपने बयान किया था वो सही भी है, मुझे भी मौका मिला है वहां पर, तो बहुत ही मजा आता है वहां पर एंटर करने में भी, और मुझे तो हर जगह क्रिकेट की हिस्ट्री वहां पर नजर आती है और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये बेहतरीन अवसर है सभी युवा प्लेयर्स के लिए। और लॉर्ड्स के मैदान की बात करें, वहां काफी कुछ बदल भी गया है, मॉडर्न उन्होंने प्रेस बॉक्स बना दिया, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उन्होंने हिस्ट्री को बहुत संभाल के रखा है, और बहुत प्रिविलेज था जब मैं पहली बार गया वहां पे टेस्ट मैच कवर किया, और मुझे याद आता है वहां हवा देखने के लिए उन्होंने एक बूथ लगा रखी है जो धीरे धीरे घूम के आपको बताती है कि हवा का रुख किधर जा रहा है, तो हम सब भी ये उम्मीद करेंगे कि हवा का रुख जो वो बूथ है वहां पे वो भारत के फेवर में बताए और भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीते। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खेलनीति के व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि रोज सुबह 9:30 में खेलनीति के साथ वो जुड़ सकते हैं आईबीएम के यूट्यूब चैनल और आईबीएम के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझे भी अपने सवाल भेज सकते हैं @ राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेलनीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईबीएम के ऐप पर, ibmpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।